मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास रोज का 3rd लेसन द गंगा मैं आप सभी को भली भांति पढ़ा चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आया होगा। अब मैं द गंगा लेसन के बारे में व्याख्या बताना चाहता हूँ कि इसकी व्याख्या किस तरह से की है, नेहरू जी की मंशा क्या थी, नेहरू जी द गंगा के माध्यम से कहना क्या चाहते थे, नेहरू जी गंगा और यमुना को इतना महत्व क्यों देते थे, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में व्याख्या सहित आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है कि व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहे थे? नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी द रिवर ऑफ इंडिया क्यों कहे? इसका मतलब है, क्या कहना चाहते थे? देखिए, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर। हर रेशियल मेमोरीज, होप्स एंड फियर्स, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्फ एंड विक्ट्रीज आर रिमार्केबल। शी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग एंड एट ईवर द सेम गंगा। She also reminds him of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas, which he had loved so much, and of the rich and vast plains below. She is also the past glory of India. It means, इसका मतलब है कि नेहरू जी गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि यह भारत के सभी लोगों को प्रिय है। उसकी जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, सदैव परिवर्तनशील, सदैव बहती हुई और फिर भी सदैव वही गंगा रही है। वह उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों, जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था, तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती है। वह भारत की प्राचीन गौरव भी है। ओके, आगे देखिए। व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा और यमुना नदी से बहुत गहराई से क्यों जुड़े हुए थे? इसका मतलब है, नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन अलाहाबाद। हिज कॉन्टैक्ट विद देम बिगैन सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। ही केप्ट वॉचिंग द गंगा इन ऑल इट्स मूव्स। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन लिंक्ड विद हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। इट इज वोवन विद द मेमोरीज ऑफ द रेस। इट इज लव्ड and respected by all people. It is the symbol of India's very old culture and civilization. The Ganga reminded Nehru of the high Himalayas, which he loved so much. It also reminded him of the vast plain, which had been the field of his life and work. Nehru found the river smiling and dancing in the morning, and dark and mysterious in the evening. The river, in Nehru's view, was a memory of the long past of the country, and he was proud of that great past to a large extent. It means, इसका मतलब है कि नेहरू का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था। उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में
गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था। उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ। वे गंगा के सभी भावों को गौर से देखते रहते थे। यह महान नदी इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से जुड़ी रहती है। यह जातियों की यादों से गुथी हुई है। लोग इससे प्रेम करते हैं तथा इसका सम्मान करते हैं। यह भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय, जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, याद दिलाती है। यह उन्हें विशाल मैदानों से, जो उनके जीवन तथा कार्य क्षेत्र के थे, की भी याद दिलाती थी। नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कराती तथा नाचती हुई और संध्या के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे। नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी और उन्हें महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। अगला सवाल है, What were two important points which Nehru made in his will? वसीयत। वे दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिन्होंने नेहरू के द्वारा वसीयत में लिखा? नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट मेक्स टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द गंगा एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया। द सेकेंड पॉइंट इज द वे ही वुड लाइक हिज असेस टू बी डिस्पोज ऑफ। ही लुक्स अपॉन द गंगा एज अ ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया, इवन दो ही डज नॉट कंसिडर इट सैकर आर हॉल। द गंगा इज द बिलवड रिवर ऑफ द पीपुल। इट इज लिंक्ड विद इंडिया लॉन्ग पास्ट, हर हिस्ट्री, songs and mythological stories. It has been closely connected with his own life at Allahabad also. The second point made by Nehru is that his dead body should be burned and the ashes be brought to Allahabad. No part of it should be preserved for the future. A handful of it should be thrown into the Ganga and the rest should be scattered in the fields where the former died. It means, अपने अंतिम वसीयत नामे और इच्छा पत्र में नेहरू ने दो महत्वपूर्ण बातें लिखी। सर्वप्रथम वे गंगा के प्रति अपने प्रेम तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि वे अपनी राख को किस प्रकार विसर्जित किया जाना पसंद करेंगे। वे गंगा को भारत की महान नदी मानते हैं, यद्यपि वे इसे पवित्र नहीं मानते। गंगा लोगों की प्रिय नदी है। यह भारत के अतीत, उसके इतिहास, गीतों तथा पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। यह इलाहाबाद में उनके जीवन से भी बहुत अधिक जुड़ी रही है। नेहरू द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह है कि उनका मृत शरीर जला दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद लाया जाए। उसका कोई भी भाग भविष्य के लिए सुरक्षित न रखा जाए। इसके मुट्ठी भर भाग को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तथा शेष भाग को उन खेतों में, मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां पर भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं? देखिए, नेहरू कंसिडर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेट्स बी थ्रोन इन द गंगा। हिज डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेट्स थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैड नो रिलीजियस इम्पोर्टेंस। ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। एज ही हैड ग्रोन ओल्डर, हिज अटैचमेंट हैड ऑल्सो ग्रोन। नेहरू की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। उनकी इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं था कि उनकी अस्थियों के छोटे से भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। वह बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना से संबद्ध रहते थे, जुड़े रहते थे। इसीलिए गंगा और यमुना के प्रति उनके अंदर लगाव था, न कि कोई धार्मिक महत्व के कारण।
जैसे जैसे ही वह बड़े हुए उनके लगाव में भी गंगा यमुना के प्रति वृद्धि होती चली। कहने का मतलब कि गंगा और यमुना नदी को जवाहरलाल नेहरू जो महत्व देते हैं उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है कि बचपन से ही गंगा यमुना के फील्ड में, मैदान में, तट पर नेहरू जी ने खेला है, गंगा यमुना के विभिन्न रूपों को देखा है। जैसे जैसे गंगा नेहरू जी सयाने होते गए, बड़े होते गए, युवा होते गए, वैसे वैसे गंगा यमुना के प्रति नेहरू के अंदर जो लगाव था, प्रेम था, प्यार था, वह भी बढ़ता चला। यही मुख्य कारण था गंगा यमुना के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान व्यक्त करने का। ओके।